हेलो गाइज, वेलकम एट ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको IDBI बैंक की एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, जिसकी सैलरी आपको लगभग मिल जाएगी 34,000, यानी कि लगभग 34,000। तो भर्ती के बारे में पूरी डिटेल के लिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक सैलरी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी जो सैलरी होगी कंसोलिडेटेड रिमुनरेशन में, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 29,000 होगी। अब इसके बाद सेकंड ईयर में 31, और इसके बाद जो थर्ड ईयर होगी उसमें होगी 34,000। तो देखिए दोस्तों, इस भर्ती के बारे में यहाँ पर पूरी बात करते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर हमें इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले वैकेंसी की मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी निकली है 920 वैकेंसी जो है यहाँ पर निकली हुई है। साथ ही दोस्तों, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होने चाहिए, और अगर उम्र की बात करते हैं तो आपकी उम्र 20 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर डेट भी दी गई है एग्ज़ाम की। आपका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट है वो है 5 सितंबर 2021, यानी कि हालांकि दोस्तों कन्फर्म नहीं है, लेकिन इस दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसीज का कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर जनरल की बात करते हैं तो 373 वैकेंसी, SC की 138, इसके बाद ST की 69, OBC की 248। इसी तरह से आप सभी वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर आपको क्या बताया गया, आपके अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। नेशनलिटी की बात करते हैं तो आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर उम्र की बात करते हैं तो आपकी उम्र जो है 20 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए, जिसका जिक्र हमने पहले कर लिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपकी डेट दी गई है, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो हालांकि दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ 55% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपकी जो मार्कशीट है, यानी कि डिग्री जो सर्टिफिकेट है, वो 1 जुलाई 2021 से पहले कंप्लीट होने चाहिए। और अगर इसके बाद आगे की बात करते हैं तो जो फीस है वो देखिए, अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 200 रुपया रहेगी, और अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस 1,000 रुपया रहेगी। दोस्तों, ये है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्या किया जाए। अब इसके बाद आउट अप्लाई बताया गया, यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 अगस्त से शुरू होंगे और 18 अगस्त तक चलेंगे, यानी कि इस दौरान आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है करा सकते हैं, ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी डालना होगा, कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर इसको हैंड रिटन करके और इसे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्त, आपसे एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है, यानी कि अगर आप खुद फिल करते हैं तो इसे प्रोसीजर को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप किसी CST सेंटर पर जाकर भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया कि आपकी जो फीस होगी वो ऑनलाइन मोड से होगी, यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप इसकी फीस कर सकते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बात करते हैं, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। आपके पास ग्रेजुएशन साथ साथ 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पास कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करनी होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट हैं तो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगानी होगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका यहाँ पर कुछ स्कीम दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर रीजनिंग और इसके बाद इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। टाइम जो है वो मात्र 90 मिनट रहेगा। और दोस्तों, ये जो टेस्ट होगा ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और अगर पेनल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 1/4 यानी कि 0.25 जो है पेनल्टी रहेगी, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 नंबर हैं आपके कट जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद देखिए आपके सेंटर्स दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद, अमृतसर, साथ में गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, नागपुर, पटना, पुणे, यहाँ पर ये कुछ सेंटर दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आपके जो सेंटर्स हैं इन इन जगह पर आ सकते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको बताया गया है कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर होगा उसके वहाँ पर आपको एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक आपको लेके जाना होगा। साथ ही आपका एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको डेट भी दी गई है, लेकिन ये डेट कन्फर्म नहीं है, केवल टेंटेटिव होगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 6 है ये इंपॉर्टेंट है, एक्शन अगेंस्ट फाउंड मिस गिल्टी सॉरी मिसकंडक्ट और यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, यानी कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं या फिर किसी अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही दोस्तों, आपका जो रिजेक्शन लेटर है वो भी रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से फिल अप्लाई करते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे चलकर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी, साथ ही यहाँ पर यानी कि आपके जो डिसेबिलिटी हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, हमने जो जिक्र किया था अभी तक वही आपको बताया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपका जो अप्लीकेशन लेटर है वो आपको केवल इंग्लिश में फिल करना है और किसी लैंग्वेज में आपका अप्लीकेशन लेटर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पॉइंट नंबर 6 है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्री मेडिकल टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फिर मेडिकल टेस्ट का जो सेंटर होगा, अगर आप उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो ये आपका चेंज नहीं होगा। और देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या बताया गया है, जो पॉइंट नंबर 22 है इसे देखिए आप, यहाँ पर आपको बताया गया आपका जो सिग्नेचर है वो आपको चेंज नहीं करना है जब तक ये जो प्रोसेस है ये खत्म नहीं हो जाता, यानी कि इस भर्ती का प्रोसेस है जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको अपना सिग्नेचर चेंज नहीं करना है, यही सिग्नेचर आपको रखने होंगे। इसके बाद आपका एनेक्सर 1 दिया हुआ है, यानी कि गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपके फोटोग्राफ के बारे में। इसके बाद आपका LTI, साथ में हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज के बारे में। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट स्कैन कैसे करने हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं अगर आप खुद फिल करते हैं तो। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सिटी नेम दिया हुआ है, यानी कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं। स्टेट में बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो आपका जो पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये कुछ जगहों के नाम दिए गए, यानी कि सिटीज़ के नाम दिए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद आसाम, बिहार, दिल्ली, NCR, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, साथ में आगे चलकर सभी स्टेट्स का जिक्र यहाँ पर किया गया, यानी कि इन इन स्टेट्स में आपका एग्जाम हो सकता है। तो अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कन्फर्म नहीं है, आपका जो एग्जाम सेंटर वो चेंज भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की, अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।